तो बावलू फ्रॉम सीजन 3 की एंडिंग कहानी बड़ी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है, जहां आने वाले एपिसोड 9 जिसका नाम रिविलेशंस चैप्टर 1 होने वाला है, और रिविलेशंस का मतलब ही खुलासा होता है। तो बाबा क्या क्या उम्मीद कर रहे हो कि इस एपिसोड में इस कहानी से रिलेटेड क्या खुलासे होंगे, और फ्यूचर में हमें क्या क्या मिल सकता है जो पिछले 3 साल से लगातार चल रहा है, और नोबडी नोज कि इसकी एंडिंग क्या होने वाली है, और जो भी इस टाउन में चल रहा है आखिर क्यों चल रहा है, व्हाट इज द एक्चुअल रीजन, और इसका सॉल्यूशन आखिर हो क्या सकता है, तो आज इस पर ही बात करने वाले हैं। खैर इससे पहले पिछले एपिसोड 8 की बात करें जिसका नाम थ्रेशहोल्ड था, तो बाबा कुछ खुलासे देखने को मिले हैं वहां जो आगे की स्टोरी के लिए बहुत खुलासे करता है। तो बाबा दिल थाम के बैठ जाओ, अभी करेंगे स्टोरी प्रिडिक्शन कुछ हिडन क्लूज एंड थ्योरीज के साथ, जहां अभी तक हमें काफी डेटा मिल चुका है। तो स्पॉइलर अलर्ट, जिसको रुकना है वो रुक सकता है वरना आपकी मर्जी। और अभी हम खुल के बात करने वाले हैं क्योंकि कुछ र्यूमर्स एंडिंग को लेकर मेरे पास भी आए हैं, तो उनमें अपनी थ्योरी सेट करके देखेंगे फिट होती है या नहीं होती है। एपिसोड 9 में ही पता चलेगा और आगे की फ्यूचर कहानी में ही पता चलेगा, लेकिन मैं पहले ही आपको बता दूं जो बातें अभी होंगी वो सब स्टोरी से मिल जाएगा एज इट इज। भाई मैं इसकी कोई गारंटी नहीं देता, लेकिन हाँ 50% मिल सकता है क्योंकि ये सिर्फ थ्योरीज एंड प्रिडिक्शंस हैं बावलो। तो शुरुआत करते हैं, एंड यू ऑल नो कि सपोर्ट बना के रखना है, बाकी हेल्प मी टू रीच 10,000 सब्सक्राइबर एंड ऑफ दिस ईयर, क्योंकि बस 2,000 सब्सक्राइबर ही बचे हैं और 1.5 महीने ही बचे हैं हमारे पास ये साल खत्म होने के लिए, तो जरूर सपोर्ट बनाओ। बाव विक्टर को बहुत कुछ याद आ चुका है, लेकिन अभी भी उसे और भी बहुत याद आना बाकी है, जो डेफिनेटली एपिसोड 9 के स्टार्टिंग में दिखाया जा सकता है। लेकिन बात करें कि ये टाउन में हुआ कैसे, ये सब ये कहानी लूप में कैसे घूम रही है, इसको कर्स कैसे लगा, और एपिसोड 8 में पास कनेक्शन भी हुआ है, दूसरा एपिसोड 9 का नाम ही रिविलेशंस है, तो क्या खुलासे हो सकते हैं इसमें, उसके लिए तो एक्साइटमेंट है। मेन पर्पस इस एपिसोड का यही रहने वाला है कि ये सब चीजें इस टाउन में चल क्यों रही हैं आखिर, व्हाट इज द डार्क हिस्ट्री बिहाइंड इट। तो बाबा विक्टर ने क्लियरली रिकॉल किया था बच्चों को धोखा मिला है, वो भी उनसे जिनसे वो प्यार करते थे और उन पे ट्रस्ट करते थे। ये सब बातें हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस कर रखा है, अभी इस पे आगे की बात करने वाले हैं कि आखिर वो कौन बंदा होगा या ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी होगी टाउन के लोगों को जो इस इमोर्टैलिटी वाले झांसे में आकर रह गए कि अपने बच्चों की ही बलि देने पर वो मजबूर हो गए इमोर्टल होने के लिए। जहां सुनने में ये भी आया है कि टैबिथा एंड जेड भी इस टाउन पर तब मौजूद थे और ये दोनों पूरे टाउन के खिलाफ थे, इस रिचुअल के खिलाफ थे, ये सारी चीजें करने के खिलाफ थे, जहां टैबिथा और जेड के बच्चे को भी शायद बलि का बकरा बनाया गया होगा, और मे बी यस मे बी बॉय इन व्हाइट टैबिथा एंड जेड का ही बच्चा हो सकता है। दूसरा, इस रिचुअल को कंप्लीट करने के लिए वो ओल्ड सेटलमेंट प्लेस पर हमने वो 3 लाल पत्थर ट्राइंगुलर शेप के ऑर्डर पर देखा ही था, तो यस मोस्ट प्रोबेबली इस रिचुअल को वही कंप्लीट करा गया होगा, मींस उन बच्चों की वहीं पर बलि दी गई होगी और उनकी सोल्स को अंदर गुफा में कैद कर लिया गया होगा, जो हमने सीजन 2 में वो गुफा के अंदर सर्कुलर ऑर्डर में लेटे हुए बच्चे भी देखे थे वो पत्थर में, और उनकी सोल को कैद करने के लिए जस्ट उनके ऊपर वो पेड़ की जड़ों से जादुई साइन वगैरह बनाकर जो हमने देखा, जो उनको कैद करने का काम कर रहा होगा, और इस रिचुअल को कंप्लीट करने के लिए उस फार अवे बॉटल ट्री का भी फुल हाथ हो सकता है इसमें, और हो ना हो मे बी इन बच्चों को आजाद करने के लिए सॉल्यूशन भी वही फार अवे बॉटल ट्री पकड़ाएगा शायद, जहां ये सब कुछ एक गेम की तरह ही नहीं लग रहा कि इस ट्री में जाने के 3-4 चांसेस के बाद तुम्हें एक चांस मिलेगा उन बच्चों को आजाद करने का जो कि बॉयड को मिला था। वो चिमनी में गया, चिमनी से ऊपर आया, उसे मार्टिन मिला जिसका काम पहेलियों में बात करके रास्ता बताना सॉल्यूशन बताने का होगा, पर बॉयड समझ नहीं पाया और वो मौका उसके हाथ से चला गया, और फिर दोबारा किस्मत ने मौका दोबारा जूली को दिया ताकि वो रोक ले ये सारी चीजें, पर उसका भी मौका फेल हो गया। देखो मेरी नजर में इस टाउन के कर्स को खत्म करने के 2 रास्ते नजर आ रहे हैं अगर कर्स वाली बात चली रही है तो। एक तो वो डंजन प्लेस से पास्ट कनेक्शन दिखाना, जहां उस गुफा के जरिए तुम वापस से वही स्टार्टिंग में यानी पास्ट में जा सकते हो, और शायद अब ये सारी चीजें चल रही होंगी उसे रोक सकते हो, क्योंकि जूली ने 2 टाइम पीरियड की आवाज सुनी थी वहां पर, जो हमने डिस्कस भी किया था पिछली वीडियो में यानी प्रोमो एंडिंग एक्सप्लेन वीडियो में। लेकिन ये उतना ही डिफिकल्ट होगा क्योंकि इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है कि तुम उसी टाइम जोन में वापस चले जाओगे, मे बी कहीं और चलेगा फिर और वहीं फंस के रहेगा, फिर क्या होगा। बाबा आगे सीजन की कहानी मोस्ट प्रोबेबली यही घूमने वाली है, जहां उस सही टाइम जोन में जाने के लिए कुछ ऐसा डेटोरेटर वगैरह का इस्तेमाल करा जाएगा और सबसे पहले तो उसे बनाया जाएगा। खैर ये टाइम ट्रेवल वाली बात एपिसोड 9 में मुश्किल ही होगी, लेकिन हाँ सीजन 4 में मे बी मेकर इसमें घुमा सकता है हमको, जहां रास्ता तो हमें इस सीजन के एंड तक पता चल जाएगा और इस कर्ज को तोड़ने का भी सॉल्यूशन मिल जाएगा, लेकिन उस सही रास्ते तक कैसे पहुंचे मे बी वो सीजन 4 में घुमाने वाला है। और यस ये सेंस भी बनाता है कि आखिर सही रास्ता कैसे ढूंढा जाएगा, उसके लिए अलग से रास्ता निकाला जाएगा, तो भाई रास्ते रास्ते चलते रहेंगे ऐसे।
आगे बढ़ते हैं। और मैं इतने कॉन्फिडेंटली ये टाइम ट्रेवल वाली बातें क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे ट्रस्टेड सोर्स से एक सुनने में आया है, एक जूली पास से आती है जिम को बचाने। ये अपडेट बहुत लोगों ने शायद सुना भी होगा। तो जब जूली आ सकती है तो ये लोग भी जा सकते हैं और आ भी सकते हैं। और जब हमें मालूम ही है कि उन रिचुअल्स की वजह से इस टाउन को कर्ज लगा है, तो क्यों ना पास्ट में जाकर उस रिचुअल को कंप्लीट ही ना होने दिया जाए। सीधी सी बात है, और यही इसका सॉल्यूशन भी हो सकता है। पर सही टाइम जोन में एक बार में जाना ये आसान नहीं होगा। ये लग सरल रहा है, लेकिन मेकर पूरे सीजन की कहानी बना सकते हैं इस कॉन्सेप्ट पर, क्योंकि एक साथ बहुत से टाइम जोन खुले पड़े हैं। मल्टीवर्स वाला हिसाब, गलत टाइम जोन में चले गए तो भाई मारे भी जा सकते हैं। तो भाई एपिसोड 9 में थोड़ा और खुलासा होगा, थोड़ा और डेटा मिल जाएगा हमें, तो इस गुत्थी को भी थोड़ा सुलझाएंगे अच्छे से बात करके। दूसरा रास्ता फार अवे बॉटल ट्री से मिल सकता है, अगर उसके अंदर जाने की बात करें तब। लेकिन वहां रिस्क भी बहुत ज्यादा है, हमने ये देखा ही है। डेल कैसे मरा, ये एक्सपीरियंस है हमारे। अगर पॉजिटिवली देखें कि रास्ता है, तो वो कैमडन जाने का है जहां से टेविथा आ चुकी है। लेकिन बाहर दुनिया से हम क्या ही उखाड़ सकते हैं, बस मदद ला सकते हैं और कुछ नहीं। वो भी यहां आकर फंस ही जाएंगे। खैर, इस टॉपिक पर बात करने के लिए थोड़ा और डेटा चाहिए होगा, वो आगे बात कर लेंगे खुल के किसी नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन बाबा हाँ, डंजन प्लेस का रोल है और बहुत बड़ा रोल है, जहां बहुत लोगों के कॉमेंट आए थे कि डार्क वेब सीरीज की तरह तो मामला नहीं होने वाला इसमें। तो और टाइम ट्रेवल की बात करें तो वैसा मामला लग रहा है कि हो सकता है। इस पर सियोरिटी हमें एपिसोड 9 और एपिसोड 10 से मिल जाएगी कहीं ना कहीं पॉइंट से। उसके बाद और खुल के बात कर लेंगे इस पर। लेकिन बात करें उस ओल्ड सेटलमेंट प्लेस की, जिसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जा रहा है, क्योंकि सब अभी फातिमा के चक्कर में जो फंसे हुए हैं। और मेकर स्मार्टली ये फातिमा एंगल से हम सबको ध्यान भी अच्छे से भटका रहा है। बाव वो सेटलमेंट प्लेस, वहाँ पर उन क्रीपी स्टैचूज का बना होना, 3 लाल पत्थर का ऐसे ऑर्डर में रखा होना, ये आया वही नहीं हो सकता। और जो वन नाइट ब्लड ड्रिंकर हमें वहाँ देखने को मिला है, वो कहीं पिछले जन्म का जेड तो नहीं? क्योंकि बाबा ये कंफर्म है कि जेड का पुनर्जन्म हुआ है, जो हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया है। और दोबारा यहाँ वही चीज़ डिस्कस करके कोई फायदा नहीं। और मे बी उस वन नाइट ब्लड ड्रिंकर के बच्चे को भी बलि का बकरा बनाया गया होगा यहाँ, जिसने रोकने की कोशिश करी होगी पर उसे ऐसे तड़पा के मारा गया होगा। या ये भी हो सकता है कि ये सारे खेल रचने वाला, यानी टाउन के लोगों को ये इमोर्टैलिटी का आइडिया देने वाला, इस झांसे में फंसाने वाला, यही वन नाइट ब्लड ड्रिंकर भी हो। और बाद में शायद जेड ने ही इसे मारा होगा और उसे ये सजा मिली होगी, यानी उसकी सोल को जो ऐसी ही उसी जगह पर बंद के रह गई होगी काफी लंबे समय से, जो गुड एंड ईविल को दर्शाता है। और मे बी उन आंकुई चिल्ड्रन के आजाद होने से इसका भी कनेक्शन होगा, जो वहां गुफा में आंकुई चिल्ड्रन अगर आजाद होंगे तो यहाँ ओल्ड सेटलमेंट पर इस बंदे को भी आजाद करना होगा। थ्योरीज है भाई, लॉट्स ऑफ थ्योरीज है, कुछ भी हो सकता है। ये मेरे दिमाग में चल रहा था, मैंने आपसे शेयर कर दिया। ऐसे ही आपके दिमाग में भी कुछ चल रहा होगा या आपके पास कोई थ्योरीज होंगी, तो यस खुले विचार से मेरे साथ शेयर करके जाना नीचे कमेंट बॉक्स पर। बाकी सस्पेंस और मिस्ट्री अभी भी खत्म नहीं हुई है, इसमें सिर्फ हमने रास्ता ढूंढने की बात करी है और कुछ नहीं। दूसरा, हाँ, एक और नया बॉटल ट्री इंट्रोड्यूस हुआ है एपिसोड 9 के लिए, जो कंप्लीट नहीं है, नया ही लग रहा है। तो वहाँ मेरे मन में एक बात चल रही है कि शायद कोई फ्यूचर या फिर पास्ट टाइम ट्रेवल कनेक्शन हो सकता है, जो एक लिमिटेड टाइम के लिए आ रहा होगा कोई बंदा, और ये बॉटल ट्री की मदद से स्टेप टू स्टेप कुछ सॉल्यूशन निकाल रहा होगा, या मे बी इस टाउन के लोगों को कोई मैसेज दे रहा होगा। और जहां तक ये काम, बाबा मुझे लग रहा है फ्यूचर से आने वाला जेड ही कर रहा होगा, क्योंकि बॉटल ट्री को लेकर सारे प्रॉब्लम्स जेड के पास ही मिल रहे हैं। तो यस, फ्यूचर वाले जेड को पता होगा कि मैं इस पास्ट वाले टाइम जोन में ऐसे एक्टिवली काम कर रहा था, और ऐसे करते करते वो पास्ट के जेड को कुछ हिंट देना चाह रहा होगा, जो कि फ्यूचर वाले जेड एंड उन लोगों से कोई गलती हो गई होगी सॉल्यूशन को लेकर। और जो सॉल्यूशन है वो इसी प्रेजेंट टाइम जोन वाले मोमेंट में होगा, तो शायद कोई हिंट देना चाह रहा होगा। बाबा कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं हो गया, क्योंकि मैं ही घूम गया यहाँ पर। तो अगर टाइम ट्रेवल की बात है, आगे शो में प्रॉमिस करी जा रही है, तब ये एंगल स्टोरी का हो सकता है। बाकी इस वीडियो में जो बात हुई है वो फ्यूचर स्टोरी को डिकोड करने के लिए हिट करती है। एपिसोड 9 में इस वीडियो का कुछ पार्ट कवर हो सकता है, इसलिए यहाँ कही गई बातें एपिसोड 9 से एक्सपेक्ट करोगे तो बाबा हर्ट हो सकता है आपको, जिसका खामियाजा मुझे भुगतना पड़ सकता है। तो आगे सीजन में देखते हैं, ऐसा कुछ मिलेगा तो मजा आ जाएगा। बाकी एपिसोड 9 के प्रोमो ब्रेकडाउन वीडियो में खुल के बात करी है एपिसोड 9 की स्टोरी के लिए। तो जो नया बंदा है और एपिसोड 9 की स्टोरी अजम्पशन लेना चाह रहा हो, तो प्रोमो ब्रेकडाउन वीडियो आप देख सकते हैं एपिसोड 9 के लिए। बाकी आज वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, अब लगाते हैं विराम, आगे की बातें नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कुछ फ्रेश डेटा आज के साथ। वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स से जरूर बता के जाना। आपके दिमाग में और कोई भी थ्योरीज हैं, र्यूमर्स हैं, कुछ भी है, नीचे कमेंट बॉक्स से जरूर बता के जाना आगे स्टोरी के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो पर, जय हिंद।